ये बात है जॉर्ज ल्यूकिंस की, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि सात सात स्पिरिट रहते थे। जॉर्ज ल्यूकिंस जो कि एक इंग्लिश टेलर थे, तब उन्होंने उसे स्टेट जॉर्ज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, पर कोई फायदा नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरान हो गए, आखिर हुआ क्या है। पहली बार उन्होंने इसे स्पिरिट पोजेस्ड घोषणा कर दी और एक्सोसिज्म के लिए भेज दिया। जब इसके एक्सोसिज्म हो रहा था, मतलब 13 जुलाई 1778, तो उसके मुंह से अजीब और गरीब आवाज़ निकलने लगा, कभी पुरुष के कभी औरत के, और कहने लगे कि तुम फेल हो जाओगे। और फाइनल प्रीस्ट ने उसमें से स्पिरिट्स को निकाल दिया। और ये एक सच्ची कहानी थी। आपके इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।